नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पीएस भाटी और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि 30 मिनट क्रॉस ओवर पे ट्रेड कैसे लेते हैं, प्रॉफिट बुक कैसे करते हैं और रिवर्सल ट्रेड कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले आपको चार्ट पर टाइम रखना है 30 मिनट का, उसके बाद में आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और इंडिकेटर यहाँ से लेना है आपको EMA। आप लेंगे 20 EMA और 10 EMA, तो इसको मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ। इसकी लेंथ को मैंने 20 किया और स्टाइल में जाके ब्लू कलर और इसको थोड़ा हम मोटा कर देते हैं ताकि देखने में आसानी रहे। और उसके बाद में ये जो EMA है इसको मैं कर देता हूँ, इसको रेड से दिखा के जो लेंथ है इसकी 10 कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर आपका चार्ट पे टाइम फ्रेम 30 मिनट का हो गया और दो EMA लगाया हमने, 20 EMA और 10 EMA। अब जब भी 10 EMA 20 EMA को क्रॉस ऊपर की तरफ करता है तो ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर होगा और नीचे की तरफ क्रॉस ओवर करता है तो ये नेगेटिव क्रॉस ओवर होगा। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, मान लेते हैं ये आपका 20 EMA है और यहाँ पर ये ले लेते हैं ये 10 EMA। जब भी 10 EMA 20 EMA को नीचे की तरफ काट देता है तो ये नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ और यहाँ पर कोई कैंडल जब ये क्रॉस ओवर होने के बाद 10 EMA के नीचे क्लोज हो जाती है तो ये डिसीजन कैंडल होगी और नेक्स्ट कैंडल इसके लो को जो काट देती है तो उसमें आपको ट्रेड लेना है इसके लो के 3 पॉइंट नीचे इस प्रकार। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका एक नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ और ये क्रॉस ओवर हो जाने के बाद में 30 मिनट की रेड कैंडल EMA के नीचे क्लोज होती है। तो यहाँ पर देखिए ये कैंडल 30 मिनट की है, वो EMA के नीचे क्लोज होती है तो इसके 3 पॉइंट नीचे आप ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर आपका जो ट्रेड बनेगा वो इस कैंडल में बनेगा, यहाँ पर आप शॉर्ट करेंगे और उसके बाद में आप तब तक शॉर्ट में बने रहेंगे, अपने प्रॉफिट को ट्रेल करेंगे जब तक आपको कोई बुलिश कैंडल दिखाई नहीं दे जाती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको यहाँ आके और एक ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखाई दे रही है, ये एक बुलिश कैंडल है। तो यहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है और यहाँ से ट्रेड लेना है। ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में हमने सीखा है कि जब भी ड्रैगन फ्लाई डोजी के हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम बुलिश ट्रेड लेते हैं। लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको ये देखना है कि क्या पीछे इसका कोई लेवल बन रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको डिमांड जोन को मार्क करना है। डिमांड जोन को मार्क करने के लिए आपको रेक्टेंगल पर जाकर के पहले आपको यह देखना है कि यहाँ पर कभी पहले मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो ये देखिए यहाँ पर एक डिमांड जोन बन रहा है, यानी कि यहाँ से मार्केट ने, जब भी मार्केट इस लेवल पे आया है तो यहाँ से मार्केट ने रिएक्ट किया है, मार्केट बुलिश गया है। ये देखिए जब मार्केट यहाँ आया था तो मार्केट यहाँ से बुलिश हुआ, सेकेंड टेप मार्केट आया तो यहाँ से सेकेंड टेप मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, थर्ड टेप एक बार फिर, और अब यहाँ पर देखिए आप ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाए। तो ये सीनेरियो बन जाने के बाद में ड्रैगन फ्लाई डोजी के हाई के ऊपर आपको ट्रेड लेना है, जैसे इसका हाई ब्रेक होता है आपको ट्रेड लेना है और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगेगा। तो कैंडलस्टिक पैटर्न बनने ही काफी नहीं है, जब कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसको ये देखना है कि यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण सप्लाई या डिमांड जोन है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण डिमांड जोन था, जब भी मार्केट यहाँ आया है उसने रिएक्ट किया है और मार्केट बुलिश हुआ है तो इस बार भी होगा, तो यहाँ से आप ट्रेड लेके और जा सकते हैं। जब कोई रेड कैंडल दोबारा 20 EMA या 10 EMA के नीचे क्लोज हो जाती है और नेक्स्ट कैंडल उसके लो को ब्रेक करती है तो उसके लो के 3 पॉइंट नीचे आप एग्जिट हो जाएंगे या शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल है इसने 20 EMA और 10 EMA के नीचे क्लोजिंग दी है तो इसके लो के नीचे हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे और दोबारा यहाँ तक आने का वेट करते हैं। तो यहाँ के आप देखते हैं यहाँ पर दोबारा एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार। अब यहाँ पर आप ट्रेड कैसे लेंगे, मॉर्निंग स्टार पे ये देखेंगे क्या यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण डिमांड जोन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ आना है और यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे और रेक्टेंगल लेके और इसको मार्क कर देंगे इस जगह को, इतनी जगह को, और हम प्रीवियस कैंडल पे जाएंगे क्या यहाँ से मार्केट ने कभी सपोर्ट लिया है क्या पहले, पहले इसको डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों ये वही डिमांड जोन है जो मैंने मॉर्निंग स्टार की सेकंड कैंडल इंडिसीजन कैंडल जो होती है उससे मार्क किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने रिएक्ट किया, 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 तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अब दोबारा यहाँ से फिर रिएक्ट करेगा और यहाँ पर आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ में ट्रेड मिला। अब मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाने के बाद में मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की पहली कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होता है वहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर इस कैंडल ने मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के हाई के ऊपर
ब्रेक करके और क्लोजिंग दी है। तो इसकी जो भी नेक्स्ट कैंडल है उसमें हम अपना एंट्री करेंगे और मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की सेकंड कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं आपको एक बेहतरीन अप मूव मिला और ये अप मूव यहाँ आके और भी ज्यादा क्लोज हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आके एक क्रॉस ओवर पॉजिटिव क्रॉस ओवर मिल गया आपको। ये देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ है। ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर हो जाने के बाद में 30 मिनट की कैंडल यहाँ पर ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर होने के बाद में क्लोज हुई है। अब जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है इसके हाई के 3 पॉइंट ट्रेड ले सकते हैं। यदि आप बहुत ही सेफ ट्रेड हैं यहाँ पर आपका ट्रेड मिस हो गया तो आप यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ये एनालिसिस आपको कैसा लगा और इस तरह के अन्य वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।